कैनेडा स्टडी वीज़ा की गल करिए कितने ना कितने हमें जरूर समझा जा सकता है कि जोड़े स्टूडेंट्स मास्टर्स लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने वाल कैनेडा गवर्नमेंट का रुझान रहने वाला है तो वधिया पॉजिटिव रिजल्ट इतने वधिया जरूर नज़र आने वाले ने तो इसलिए स्टूडेंट जोड़े मास्टर्स लिए अपलाई करना चाहते हैं उन्होंने असं खास गल् जरूर अज की वीडियो जरिए समझा जा रहे हैं कि किमें तुम सही कोर्स चूज़ करना है और प्रोविंस को लैके तो अक्सर हूँ स्टूडेंट्स के सवाल बहुत ही ज़्यादा ने कि असं कि प्रोविंस में जाइए ताकि सूँ उत्तर पहुँचने तो बाद काम लैके रहन नू लैके किसी भी गल नू लैके प्रॉब्लम ना आवे सो इसके उपर भी असीं तुहानू कलैरिटी जरूर देवांगे ताकि तुसीं अपना डिसीजन सारी चीज़ों नू समझते हुए ही सही डिसीजन दे नाल अगे वध सको। बहुत बहुत स्वागत है जी, मैं हाँ हरजोत कौर, डिटेल विच पूरी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे स्टडी स्केयर अब्रॉड तो चंडीगढ़ ब्रांच हैड अनीता पंडराल जी, बहुत बहुत स्वागत है जी, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच। सो अनीता जी, जरूर मास्टर्स के उपर भी आपां हुण देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं और कितने ना कितने कैनेडा गवर्नमेंट भी चाहती है कि क्योंकि मास्टर्स का स्टूडेंट मैच्योर स्टूडेंट विच आपां काउंट कर सकते हैं अपने आप लिए जिम्मेवार हुंदा है तो इत्थे जरूर दसो मास्टर्स के लिए किस तरह की ऑप्शनस ने और अगो स्टूडेंट किस तरह के बेनीफिट भी हो सकते हैं और जो कि मैं स्टार्टिंग गल की प्रोविंस को लैके इस उपर भी जरूर स्टूडेंट्स को वधिया ढंग दे नाल गाइड करना ताकि स्टूडेंट सोच समझ के सही डिसीजन लै सकन। जी, तो अगर मैं बात करूँ कैनेडा में इस टाइम पर जो स्टूडेंट्स का जो एरिया इंटरेस्ट इस टाइम पर जो डेवेलप हो रहा है वो मास्टर्स के लिए हो रहा है और कहीं ना कहीं कैनेडियन गवर्नमेंट भी यही चाहती हैं कि स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए आए। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए कनाडा में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज, कुछ ऐसे कोर्सेज सामने आए हैं या फिर मैं ये कह सकती हूं क्योंकि अब स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए ज्यादा जाना चाहते हैं तो अब उन चीजों पे ज्यादा ध्यान पड़ने लगा है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से फील्ड के यूनिवर्सिटीज, कौन कौन से फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं यूनिवर्सिटीज की बात करती हूँ कैनेडा में, तो पहला फायदा आपको कैनेडा में यूनिवर्सिटीज अप्लाई करने के लिए ये है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके पास जो इंटरनेशनल कैपिंग है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, सो दैट मीन्स आप इजिली अप्लाई कर सकते हो, कोई कोटा नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यूनिवर्सिटीज के पास इतनी कैपेसिटी होती है स्टूडेंट्स को क्लासेस में बिठाने के लिए, और अगर मैं इंटरनल अकोमोडेशन की बात करूँ तो उनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। सो अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी है, तो अगर मैं इनके आइल्स रिक्वायरमेंट की बात करूँ 6.5 नॉट लेस देन 6 है, अगर मैं इनकी परसेंटेज की बात करूँ तो 60% से स्टार्ट होता है और इनके पास जो मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं वो आपको MBA जर्नल, आपको MBA एंटरप्रेन्योरशिप, MBA फाइनेंस, MBA ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, MBA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह के कोर्सेज आपको मिलेंगे। कहने का ये मतलब कि चाहे आप फाइनेंस से हो, चाहे आपने कॉमर्स किया है, आपने BBA किया है या फिर आपने IT किया है, तो आपको सारे जो कोर्सेज हैं इन यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे। इसके बाद कैनेडा में एक बहुत ज़्यादा कोर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड में है, दैट इज़ अ मास्टर ऑफ मैनेजमेंट। सो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट जो ये कोर्स है ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यहाँ पे बैचलर्स कर रहे थे लेकिन अब वो कुछ टाइम जो जॉब है वो कर रहे हैं, अब वो मैनेजमेंट स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो आप मास्टर्स इन मैनेजमेंट कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है वो आपको न्यू ब्रंसविक में मिलेगा, क्रैंडल यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगा, और ये जो कोर्स है आपको वन ईयर के अंदर भी आप इसकी स्टडीज़ जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो मास्टर्स ना देके आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दे रहे हैं, कुछ प्रोविंसेस में उनको पोस्ट बैकलोरेट डिप्लोमा बोला जाता है, कुछ प्रोविंसेस में उनको पोस्ट डिग्री बोला जाता है, बट दैट इज़ द सेम थिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। इनकी जो मेजरली यूनिवर्सिटीज़ में जो ड्यूरेशन रहती है वो 2 साल की रहती है। अगर आप यूनिवर्सिटी में PG डिप्लोमा करते हैं 2 साल की ड्यूरेशन के साथ आपको 2 से 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो कोर्सेज इस तरह से रहते हैं कि जैसे एक यूनिवर्सिटी है वैंकूवर में, कैपिलानो यूनिवर्सिटी नॉर्थ वैंकूवर में लोकेटेड है बेसिकली ये, सो इनके पास जो है प्रोग्राम है नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस मैनेजमेंट, NABU के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। बेसिकली ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है जो कि आउटसाइड कनाडा से हैं, जैसे कि इंडियंस हैं, फिलीपींस हैं या चाइनीज जो स्टूडेंट्स हैं जो कि कनाडा से नहीं है, तो वहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस को किस तरह से मैनेज किया जाता है, तो ये बहुत अच्छा कोर्स है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वैंकूवर में मेन लोकेशन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट हमेशा से बहुत अच्छे से चल रहा है। एक कोर्स आपके पास आता है एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने
यहाँ पे एजुकेशन करी है, बैचलर्स किया है, कुछ टाइम तक जॉब कर रखी है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि हम अपना एक बिजनेस सेटअप करें. तो उनके पास एंटरप्रेन्योरशिप वाले जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, एंड इसमें जो वीज़ा चांसेस है वो बहुत बढ़िया है. मैंने बहुत स्टूडेंट्स भेजे हैं इस प्रोग्राम के लिए, हार्डली रेयरली ही मैंने कोई रिफ्यूज़ल देखा है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए. तो अगर आप कैनेडा इस टाइम पर प्लान कर रहे हैं तो अपना जो कोर्स उस माइंडसेट से ले कि आपको बाद में इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या जॉब की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी. इसी के साथ अगर हम प्रोविंस की बात करें तो कनाडा में हर प्रोविंस में कोर्सेज अवेलेबल हैं. जैसे आप अगर आप प्लान कर रहे हैं नोवा स्कॉशिया में, तो नोवा स्कॉशिया में आपके पास यूनिवर्सिटी भी अवेलेबल है, आपके पास कोर्सेज भी अवेलेबल है. जैसे केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी है, सो माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी है, ये आपको नोवा स्कॉशिया की तरफ मिल जाएंगे. दो तीन यूनिवर्सिटीज़ ये हैं. उसके बाद अगर आप न्यू ब्रंसविक, बिकॉज पीआर के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप ले रहे हैं, तो आपके पास क्रैंडल यूनिवर्सिटी कैन बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. अगर इसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि सस्कैचुअन की तरफ देखना, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन. क्यूबेक की तरफ आप देखना चाहते हो तो कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी. अगर आप देखना चाहते हो कि नहीं मुझे किसी ऐसी ओंटारियो में ही जाना है बट पीआर के चांसेस अच्छे हों, तो अल्गोमा यूनिवर्सिटी है उनके पास, सू सेंट मेरी है. सो दैट इज़ द दैट मीनिंग ऑफ दिस ऑल कॉन्वर्सेशन इज कि आपको हर प्रोविंस में यूनिवर्सिटी की ऑप्शन मिल सकती है, हर सिटी में यूनिवर्सिटी की ऑप्शन मिल सकती है, और वैरायटी ऑफ द कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल. बस आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो कोर्स है वो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को, फ्यूचर आउटकम को सपोर्ट करे, और सेकेंडली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आपको जरूर दे. जी बिल्कुल. तो अनीता जी, केड़े इनटेक लिए हम स्टूडेंट मास्टर्स लिए अप्लाई कर सकते? जनवरी इनटेक इस टाइम पे फुली अवेलेबल है. इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई इन जनवरी इनटेक, यू कैन अप्लाई. जी ठीक है, बिल्कुल. सो ढेर सारी ऑप्शंस ने अनीता जी ने पूरी लिस्ट थोड़े नाल सांझी की है. इस अलावा भी होर कई ऑप्शंस होंगी है, पर उसके लिए थोड़े डॉक्यूमेंट्स की असैसमेंट करना, थोड़ी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली थोड़े लिए बेस्ट ऑप्शन थानू गाइड करना, उसके लिए थानू अपने डॉक्यूमेंट्स लैके स्टडी स्क्वायर अब्रॉड चंडीगढ़ ऑफिस आना पेगा, ताकि असैसमेंट की जाए, राइट ऑप्शन थानू गाइड की जा सकन, तो उस हिसाब न अपना डिसीजन लै सको. नंबर भी लगातार डिस्प्ले है, इस उपर भी तुम कॉल जरूर कर सकते हो. बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स सांझी की है, जो कि अज के टाइम बहुत ही जरूरी भी स्टूडेंट्स लिए, तो अगों भी स्टूडेंट्स लिए इसे तरह होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहेंगे. फिलहाल ही दो जी इजाजत. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.